दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बॉलीवुड में आए दिन कई सारी फिल्में बनती हैं, वो भी अलग अलग जॉनर की, रोमांटिक, थ्रिलर, ड्रामा एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं मेकर्स पौराणिक कथाओं पर भी फिल्में बनाते रहते हैं ताकि वो दर्शकों को उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों से रूबरू करवा सकें। इसीलिए तो कई सारी पौराणिक कथाओं पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें से एक है रामायण। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जल्द ही आपको एक और महापौराणिक कथा महाभारत पर आधारित फिल्म देखने को मिलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, महाभारत पर फिल्म बन रही है और जल्द ही वो स्क्रीन पर आने वाली है। इसलिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी अपकमिंग मूवी से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं कि फिल्म की कहानी क्या होगी, कौन कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट जो कि नजर आने वाली है, और आखिरकार ये फिल्म कब तक रिलीज हो सकती है। अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इस दमदार और पौराणिक कथा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि ऐतिहासिक और पौराणिक कथा महाभारत कुरु वंश के दो परिवारों के बीच में हुए घमासान युद्ध पर आधारित थे, जिसकी वजह थी द्रौपदी। और अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाली स्टोरी की, तो फिल्म में भी हमें महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी ही देखने को मिलेगी, जिसमें पांडु पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों में हुए घमासान युद्ध को दिखाया जाएगा, जिसकी वजह थी द्रौपदी। क्योंकि जो चौकर की भरी सभा में जब पांडवों के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया, जिसके बाद द्रौपदी को काफ़ी अपमानित होना पड़ा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की मदद की और उनकी लाज बचाई। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और द्रौपदी कौरवों को बर्बाद करने की कसम खा चुकी थी। यही कारण रहा कि महाभारत का जन्म हुआ। बस इसी कहानी को डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फिल्म के माध्यम से पर्दे पर उतारने जा रही हैं। उम्दा किस्म के VFX और एक्शन सीन्स के साथ ही साथ ये फिल्म और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। भाई, ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन अगर हम बात करें कि फिल्म महाभारत में नजर आने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां कौन कौन से हैं, यानी कि स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अजय देवगन तो आपको अर्जुन के किरदार में नजर आएंगे ही, वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन युधिष्ठिर के किरदार में, आमिर खान दुर्योधन के किरदार में, प्रभास कृष्ण के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा कुंती और सारा अली खान द्रौपदी के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी तक इन सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों ने कोई भी कंफर्मेशन अपने किरदारों को लेकर नहीं दिया है। साथ ही साथ इसकी स्टोरी पर अभी काम जारी है, तो इसीलिए इसकी रिलीजिंग डेट को कंफर्म करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब से जनता ने इस फिल्म के बारे में सुना है और जाना है, तब से तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्म महाभारत बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।